नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 18 जून और 18 जून की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे हमारे कोर्सेस अनअकैडमी पर अवेलेबल है। इस समय यहाँ पर मैं यूपी टेट की साइंस पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर 2 में आता है, 30 नंबर का होता है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिए हमें या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेस हैं अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल होने वाले हैं, तो वहाँ पर हमें रेफरल कोड ABTech डाल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर आप मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना कई तरह के सब्सक्रिप्शन अपने इच्छा अनुसार, चॉइस के अनुसार सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली न्यूज है यूपी बीएड को लेकर के है। इस बार बरेली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जीरो फीस पर एससी एसटी के एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं। बरेली यूनिवर्सिटी ने ये प्रक्रिया पहली बार है जो बंद कर दी है। अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सब जीरो फीस पर एडमिशन कराती थी, तो यहाँ पर जितने भी एससी एसटी के कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो लोग यहाँ पर कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्राचार्य हैं विजडम एजुकेशन कॉलेज के डॉक्टर वीके वत्स का कहना है कि सभी पाठ्यक्रम में शासनादेश है कि जीरो प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी चाहे तो कर सकती है जीरो फीस पर प्रवेश, बाद में शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है तो उसमें पूरी फीस होती है वो कॉलेज को पेड कर दी जाती है, लेकिन बरेली यूनिवर्सिटी ने ये बंद कर दिया है। इससे काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है, वो लोग यहाँ पर एडमिशन्स नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी यूपी बीएड को लेकर के। वहीं पर दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो यूपी टेट 2018 के सर्टिफिकेट को लेकर के है कि बरेली जनपद में यूपी टेट 2018 के जो सर्टिफिकेट हैं वो 19 जून से यानी कल से वितरित किए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र आप 11 बजे से 4 बजे तक ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई, वही आपको ले जाना जो अधिकतर हर जनपद में मांगे जाते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जा कर के अपना डाइट ले सकते हैं, ये फरीदपुर डाइट में वितरित किए जाएंगे, वहाँ से आप इनको ले पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर न्यूज़ दी गई है कि शहर से लखनऊ स्थानांतरित होगा बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यालय। दोस्तों अभी तक ये कार्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में कार्य करता था, लेकिन अब ये कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं इन्होंने प्रस्ताव दिया था, जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री जो बेसिक की हैं, ठीक, अनुपमा जायसवाल, तो इन्होंने भी पूरा इसको सहमति दे दी है। अब ये जो पूरा कार्यालय है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इनका कहना ये है कि जो भी इसके और कार्यालय जैसे सचिवालय हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग, निषादगंज में बेसिक शिक्षा निदेशालय है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, ये सब लखनऊ में स्थित हैं। और यहाँ पर जब मीटिंग होती है कई सारी शैक्षणिक गतिविधियों की या कोई योजनाएं बनाई जाती हैं शैक्षिक योजनाओं की, तो फिर जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे सबको लखनऊ भागना पड़ता है, इसमें समय की भी प्रॉब्लम आती है और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं सही से नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर शासन का प्रयागराज में नियंत्रण कम है क्योंकि जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद में नियंत्रण कम है, इस वजह से इसको भेजा जाएगा लखनऊ। ठीक है, अब दोस्तों एडेड कॉलेजों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर अभी तक एडेड जो माध्यमिक कॉलेज होते थे उनमें यहाँ पर ट्रांसफ़र तबादला होने में बड़ी दिक्कत आती थी। पहले यहाँ पर प्रबंधकों से NOC लेना पड़ता था, उसके बाद DIOS से उसको अप्रूव कराएँ, उसके बाद जो संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं उनसे अप्रूव कराइए, इसके बाद जा कर के कॉलेज में जाके ज्वाइन करिए। काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, काफ़ी डोनेशन भी चलता था इस प्रक्रिया में। तो अब दोस्तों यहाँ पर एडेड माध्यमिक कॉलेजों के जो शिक्षक हैं
उनको उनको बड़ी राहत दी गई है। अब यहाँ पर इनके भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसके लिए खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बहुत जल्द इसके फॉर्म अवेलेबल होने वाले हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसे राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में होते हैं, बेसिक शिक्षा में होती हैं, तो इसी तरह अब एडेड माध्यमिक कॉलेजों में भी शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। एनओसी वगैरह कोई भी झंझट यहाँ पर नहीं रहेगा। इस ये प्रक्रिया अगर लागू हो जाती है तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत ही आसान यहाँ पर हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट है। वहीं पर दोस्तों 68,500 को लेकर के अपडेट है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन को प्रत्यावेदन नहीं, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 68,500 पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए थे। अभ्यर्थियों की जो सफल अभ्यर्थियों की सूची थी ये शासन को भेजी जानी थी, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अभी तक शासन को ये सूची नहीं भेजी है। इससे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सूची भेज दी जाए, लेकिन अभी तक ये सूची नहीं भेजी जा रही है। अभ्यर्थी काफ़ी सारे जो है इससे परेशान हैं। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है यहाँ पर देख सकते हैं, सीएम योगी का सख्त आदेश है कि 3 दिन से ज़्यादा फाइल रोकी तो खैर नहीं। योगी जी ने बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी फाइल, जैसे जो यूनिफॉर्म से संबंधित है, बेसिक में बैग से संबंधित है, पाठ्य पुस्तकों के वितरण से संबंधित है, या कोई भी और फाइल है, या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई सैलरी की फाइल है, या जो कोई भी फाइल है, अगर 3 दिन से ज़्यादा रोकी तो फिर खैर नहीं होगी, संबंधित अफसर के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग के हों, हर हाल में पहले सप्ताह तक, माह के पहले सप्ताह में उनको वेतन पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 से 7 तारीख तक हर महीने में शिक्षकों को या जो भी राज्य कर्मचारी हैं सबको वेतन पहुंच जाना चाहिए। अगर इसमें कोई कार्रवाई कर मतलब विलंब करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम योगी ने कल मीटिंग में निर्देश दिए थे, जो कि यहाँ पर मीटिंग लोक भवन में हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये जो पूरी न्यूज है ये यहाँ पर UPSC को लेकर के हैं कि UPSC में नए परीक्षा नियंत्रक हैं जो अरविंद मिश्र, इनकी कल यहाँ पे ज्वाइनिंग होनी थी। कल यहाँ पे संभावना थी कि कारोबार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कल भी इन्होंने कारोबार ग्रहण नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हैं UPSC में परीक्षा नियंत्रक की प्रतीक्षा, कारण क्या दोस्तों, ये अभी तक जहाँ पर कार्यरत थे, मऊ में कार्यरत थे CDO के पद पर, वहाँ से अभी तक इनको रिलीव नहीं किया गया। अभी फ़िलहाल ये वहीं काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर अभी इन्होंने प्रयागराज में कारोबार ग्रहण नहीं किया है। और यहाँ पर जो सचिव हैं जगदीश, इनका कहना है कि CDO पद से जैसे ही वहाँ से रिलीव होते हैं, इसके बाद 1 या 2 दिन में अपना कारोबार ग्रहण कर लेंगे। तो ये पूरी अपडेट थी इसको लेकर के। वहीं पर दोस्तों यल्टीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट एक और है यहाँ पर, कि STF जांच पर आज होगी सुनवाई। दोस्तों यहाँ पर जो STF ने पूरा मामले का खुलासा किया हुआ यल्टीगेट भर्ती में धांधली का, उसकी सुनवाई कल हाईकोर्ट में होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो पाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर सुनवाई सोमवार को होने थी, लेकिन समयाभाव में 1 दिन आगे और बढ़ा दिया गया, मतलब कल सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी यल्टीगेट शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है। इसमें STF ने काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ हैं, सबूत हैं जो मांगे हैं परीक्षा लोक सेवा आयोग से, वहीं पर लोक सेवा आयोग ने मना कर दिया, उसी को लेकर के लोक सेवा आयोग ने रिट डाली थी। तो आज इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जैसा कुछ होगा अपडेट आपको शाम तक मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है DLED प्रवेश परीक्षा को लेकर के, BEd BTC की, जो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि BTC 2019 के फॉर्म कब आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 3 माह हो गए। मार्च में पूरा प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, मार्च पूरा निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया और जून इस समय भी आधे से ज़्यादा निकल गया, अभी भी सत्र का प्रवेश लटका है। यहाँ पर शासन के स्तर से संस्तुति नहीं मिल पा रही है, जो यहाँ पर क्या कहते हैं संस्था है वो लगातार यहाँ पर रिमाइंडर भेज रही है कि जल्दी से जल्दी शासन
इसको अप्रूव करें जल्दी से जल्दी, BETC के एडमिशन से यहाँ पर हों। लेकिन शासन की तरफ से अभी इसका प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा रहा है, वित्त विभाग में पूरी फाइल लटकी पड़ी हुई है। अब अगर ये इसका जो प्रस्ताव है पूरा पास भी कर दिया जाता है तो सितंबर के पहले कोर्स संचालन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 2 महीने तो आराम से लगनी है पूरी प्रवेश प्रक्रिया में, ठीक है। तो इसमें इस हफ्ते इसका जो प्रस्ताव है पास होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल अभी ये वित्त विभाग में लटका हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज है पॉलिटेक्निक को लेकर के। पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा है जिसका एग्जाम 26 मई को हुआ था, तो इसका जो रिजल्ट है ये 20 जून को आने की संभावना, 20 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका इंतज़ार 20 जून को ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर पॉलिटेक्निक में कुल मिलाकर के 33,610 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कॉलेज आवंटन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। अब दोस्तों जो अगली न्यूज है वो यहाँ पर TGT PGT भर्ती को लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि TGT PGT 2016 की संशोधित आंसर की जारी कराने, उसके रिजल्ट जारी कराने, 2011 के जो अंतिम परिणाम जारी हो चुके हैं उनका विद्यालय आवंटन कराने और नई TGT PGT भर्ती 2019 कब आएगी, इन सब मांगों को लेकर कल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया चयन बोर्ड पर। लेकिन दोस्तों कोई भी यहाँ पर हल नहीं निकला है। यहाँ पर दोस्तों जो अध्यक्ष हैं चयन बोर्ड के वीरेश कुमार, ये अनुपस्थित थे। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने आंदोलन किया और उप सचिव को अपना पूरा ज्ञापन सौंप दिया, जो उनकी मांगे थी उप सचिव को सौंप दिया है। उप सचिव ने ये आश्वासन दिया है कि जब चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार आ जाएंगे उनके सामने पूरी जो मांगे जो आप लोगों की हैं हम बताएंगे, और उसमें क्या कार्रवाई होती है वो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। तो प्रतियोगी छात्रों ने बोला है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई हैं तो फिर एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी होगी, ठीक है। अब दोस्तों अगली जो न्यूज है यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर है, जो भी यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूपी पुलिस के जो महानिदेशक हैं OP सिंह, इन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में 52,000 सिपाहियों की भर्ती दिसंबर तक होगी। यानी अभी तो 41,000 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही ख़त्म होती है तो दिसंबर महीने तक यानी इस साल के आखिरी महीने तक 52,000 सिपाहियों की नई भर्ती की जाएगी। तो ये पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है वो जल्द से जल्द गठन हो, ताकि इसमें जो भर्तियां आने वाली हैं वो सब टाइम से हो पाएँ। और उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानाचार्यों के जो पदों पर भर्ती होनी है वो लोक सेवा आयोग से होगी, ठीक है। तो प्रधानाचार्यों के लिए फिलहाल तो नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। TGT PGT का जो भर्तियाँ आनी है वो फिलहाल अभी तो गठन ही नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि वो चयन बोर्ड से ही आएंगी। अभी इसको जो नया आयोग का गठन होना है इसमें कम से कम 6 महीने अभी आई थिंक लग जाएंगे, तो फिलहाल जो भर्ती आने वाली है वो चयन बोर्ड से ही आएगी। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी। वहीं पर दोस्तों एक अपडेट आप लेके और है कि PCSJ में काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो सीरियल वाइज पास हो गए, क्रमवार पास हो गई हैं, और मुख्य परीक्षा में भी वही अभ्यर्थी पास हो गए हैं सीरियल से, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कल आंदोलन किया, लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया, लेकिन लोक सेवा आयोग ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो 4 महीने आप कहाँ थे जब प्रारंभिक का रिजल्ट आया, 4 महीने बाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। और उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर PCSJ जो मेंस परीक्षा थी इसमें आयोग के एक सदस्य का बेटा भी था, वो फेल हो गया है। अगर भ्रष्टाचार होता हुआ होता तो यहाँ पर जो आयोग का सदस्य है उसका बेटा यहाँ पर पास हो जाता। जब आयोग के सदस्य का बेटा फेल हो गया है तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने साफ खारिज कर दिया कि यहाँ पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं PCSJ के जो भी अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग हाईकोर्ट में जाने की तैयारी बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कुछ भी होगा अपडेट आपको टाइम टाइम पर हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। कोई आपको सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट भी कर दिया करें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।